वेलकम टू अनदर लर्निंग एपिसोड विद कोडकैट 15. दिस इज योर होस्ट रवि. और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इमेज पिकर कंट्रोलर एंड द एक्टिविटी व्यू कंट्रोलर यूजिंग स्विफ्ट यूआई. हम इमेज गैलरी से एक इमेज सेलेक्ट करेंगे और उस सेलेक्टेड इमेज को हम शेयर करेंगे. अब आप ये सोच रहे रहोगे कि इमेज पिकर कंट्रोलर और एक्टिविटी व्यू कंट्रोलर, इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही सिंपल है, तो फिर मैं इन दो टॉपिक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ. द रीजन बिहाइंड दिस इज टू प्रैक्टिस स्विफ्ट यूआई. मैं ट्विटर ऐप का क्लोन बना रहा हूँ और उसका प्रोग्रेस मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर करते रहता हूँ. एंड व्हेन आई वाज इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द ट्विटर ऐप, तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत से बेसिक यूआई कंट्रोल्स हैं जिसे आप स्विफ्ट यूआई में डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. ये कंट्रोल्स बहुत ही बेसिक हैं और इन सारे कंट्रोल्स को हम हमारे एप्लीकेशन में हैविली यूज भी करते हैं. आई डोंट रियली नो एप्पल ने ऐसा क्यों किया है. मे बी देयर इज अ सॉलिड इंजीनियरिंग रीजन बिहाइंड इट. वन ऑफ माई ओपिनियन इज एप्पल ने स्विफ्ट यूआई को बहुत ही घाई में रिलीज कर दिया था और इसीलिए एप्पल बहुत से कंट्रोल्स को अभी तक ठीक से पोर्ट नहीं कर पाया है. एंड दैट्स द रीजन वाई वी हैव टू यूज यूआई व्यू रिप्रेजेंटेबल एंड यूआई व्यू कंट्रोलर रिप्रेजेंटेबल प्रोटोकॉल. ये दोनों प्रोटोकॉल एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं फॉर द कंट्रोल्स दैट वी नीड फ्रॉम यूआई किट. शायद स्विफ्ट यूआई के आने वाले रिलीजेस में एप्पल इन कंट्रोल्स में से कुछ कंट्रोल्स का डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे, बट फॉर नाउ वी हैव टू यूज दीज टू प्रोटोकॉल्स. सर्च बार को स्विफ्ट यूआई में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो रिलीज कर दिया है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और आज के सेशन में हम दो कंट्रोलर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, विच इज इमेज पिकर कंट्रोलर एंड एक्टिविटी व्यू कंट्रोलर. सो यहाँ पे कोड लिखने से पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज गुड प्रैक्टिस, हम लोग क्या करेंगे, इन्फो पीलिस्ट में वी आर गोइंग टू एड अ परमिशन टू एक्सेस द फोटो गैलरी. सो यू विल टाइप प्राइवेसी फोटो और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट लिखोगे, दैट इज परमिशन टू यूज फोटो लाइब्रेरी. और अगर आपको कैमरा यूज करना है तो आप एक और रो ऐड कर सकते हो प्राइवेसी का. सो यू कैन से प्राइवेसी कैमरा यूसेज डिस्क्रिप्शन परमिशन टू यूज कैमरा एंड दैट्स इट. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इमेज पिकर कंट्रोलर. सो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है विद द नेम गैलरी और इसके अंदर एक फाइल है विद द नेम इमेज पिकर. यहां पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू इंपोर्ट स्विफ्ट यूआई और ये जो मेरा स्ट्रक्चर है दैट इज इमेज पिकर, इट इज गोइंग टू इंप्लीमेंट द यूआई व्यू कंट्रोलर रिप्रेजेंटेबल प्रोटोकॉल. दिस इज गोइंग टू बी यूआई इमेज पिकर कंट्रोलर. Let's implement those protocols. जो इमेज पिकर कंट्रोलर है, इट कैन गेट द इमेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्स टाइप, दैट इज इट कैन बी अ कैमरा, इट कैन बी अ फोटो गैलरी. सो वट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज सोर्स टाइप इज ऑफ द टाइप यू आई इमेज पिकर कंट्रोलर. सोर्स टाइप इज इक्वल्स टू, बाई डिफॉल्ट अगर यूजर कोई कुछ सोर्स स्पेसिफाई नहीं करता है तो आई एम गोइंग टू सेट दिस टू फोटो लाइब्रेरी. एंड ओवर हियर let picker is equals to UI image picker controller picker dot source type is going to be the source type that you set over here, return picker. So इसे मैं delete कर देता हूँ. And now jumping back to the content view, यहाँ पे if you scroll below, यहाँ पे you'll see something called as select image. And over here, what we are going to do is we are going to add some code, state private var show photo library of the type boolean equals to false. And then over here, what I'm going to do, toggle, or yahan pe at the end, show photo library and the content is going to be image picker. The source type is going to be, और यहाँ पे आप source type specify कर सकते हो अगर आपको camera select करना है, photo library select करना है. I'm going to go with photo library. And now let me resume this. So let me tap on select image और यहाँ पे आप देख सकते हो I can see my photo library. Let's see what happens when I tap on an image. So when I tap on this particular image,
वो जो सेलेक्टेड इमेज थी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है. सो एज ऑफ नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज आई कैन डेफिनेटली सी माय फोटो लाइब्रेरी, बट मैं कोई भी फोटो पे टैप करता हूँ तो वो फोटो इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर पे असाइन नहीं होता है. इफ़ यू रिमेंबर इन UIKit जो भी इमेज हम सेलेक्ट करते थे फ्रॉम द गैलरी उसे हम एक डेलीगेट के थ्रू गेट करते थे विच इज़ डिड फिनिश पिकिंग मीडिया विद इन्फो, और वो डेलीगेट हमने अभी तक हमारे कोड में इम्प्लीमेंट नहीं किया है. सो अभी हमें वो डेलीगेट इम्प्लीमेंट करना होगा और उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे. और ये जो पैटर्न हम सीख रहे हैं ये सेम रहने वाला है हर एक कंट्रोलर के लिए जो स्विफ्ट UI प्रोवाइड नहीं करता. अब एक सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि डेलीगेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक एडिशनल क्लास क्यों बना रहे हैं. तो इन UIKit हम व्यू कंट्रोलर क्लास में हमारे डेलीगेट्स को इम्प्लीमेंट करते थे और इमेज पिकर के लिए हमें दो डेलीगेट इम्प्लीमेंट करने पड़ते थे. वन इज़ दी UI इमेज पिकर कंट्रोलर डेलीगेट इटसेल्फ एंड दी अदर इज नेविगेशन कंट्रोलर डेलीगेट. लेकिन स्विफ्ट UI में तो व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहां हम इन डेलीगेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, और इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करने की ज़रूरत है. अब आप में से कुछ डेवलपर्स ये सोच रहे होंगे कि अगर प्रोटोकॉल ही इम्प्लीमेंट करना है तो वो स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, तो एक्स्ट्रा क्लास क्यों बना रहे हैं हम. वेल द रीज़न इज जो इमेज पिकर कंट्रोलर डेलीगेट है और जो नेविगेशन कंट्रोलर डेलीगेट हैं वो क्लास डेलीगेट्स हैं और उन्हें आप स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. जब भी हम किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो दोस रूल्स. उसी तरह स्विफ्ट UI के भी कुछ रूल्स हैं. जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, उसके अलावा आप उसे कोई और नाम नहीं दे सकते. स्विफ्ट UI इस कोऑर्डिनेटर क्लास की मदद से आपके कंट्रोलर से इंटरेक्ट करेगा. सो ओवर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास विद द नेम कोऑर्डिनेटर and I'm going to implement NS object, UI image picker controller delegate or navigation controller delegate, and over here right now you'll get an error. Swift UI ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने जो coordinator बनाया उसका instance मुझे दो so that I can interact with it. So all we have to do is just this. So यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा कि जो मेरा coordinator class है parent is going to be image picker. We are going to say कि ये जो coordinator है it is going to manage this view in it, not the override one. Parent image picker और यहां पे self.parent is equals to parent. And now what we have to do is जो image picker controller delegate है उसे हम implement करेंगे. Did finish picking media with info. Selected image. Or should I call it user selected image is equals to UI image. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो यूज़र सेलेक्टेड इमेज है वो मुझे इमेज पिकर को असाइन करनी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पेरेंट डॉट सेलेक्टेड इमेज इज इक्वल्स टू यूज़र सेलेक्टेड इमेज. अब यहाँ पे सेलेक्टेड इमेज नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, सो वी हैव टू क्रिएट वन. एंड ओवर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू बाइंडिंग विद द नेम सेलेक्टेड इमेज ऑफ द टाइप UI इमेज. अब ये कोड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कट दिस क्लास और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस फंक्शन एंड आई विल गो ऑल द वे डाउन ओवर हियर, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. सो वी आर गेटिंग एन एरर सेल्फ. बिफोर वी मूव अहेड विद अवर कोड आई थिंक यहाँ पे आपके मन में एक सवाल ये होगा कि इस कोऑर्डिनेटर क्लास को क्या हम आउटसाइड इमेज पिकर स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं क्या. दी आंसर इज येस, आप बिल्कुल लिख सकते हो इसे आउटसाइड द स्ट्रक्चर. मेरा टेक्निकल रीजन नेस्टेड अप्रोच यूज करने का ये है कि मैं इस क्लास को इस कोऑर्डिनेटर क्लास को एक्सपोज नहीं करना चाहता, एंड दिस इज द ओनली रीजन वाई आई एम यूजिंग नेस्टेड अप्रोच. आप इस कोऑर्डिनेटर क्लास को आउटसाइड द स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, बट एज अ गुड प्रैक्टिस एंड फॉर एनकैप्सुलेशन रीजंस हमने इस कोऑर्डिनेटर क्लास को इमेज पिकर स्ट्रक्चर के अंदर ही इंप्लीमेंट किया हुआ है. सो नाउ द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज जैसे ही आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हो हमें इमेज पिकर कंट्रोलर को डिसमिस करना होगा,
And for that, we are going to use the environment property wrapper. So over here, what I'm going to do is binding ke niche, I am going to write environment presentation mode, private variable, presentation mode. मैंने एनवायरमेंट प्रॉपर्टी रैपर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया अभी तक, बट टू गिव यू ए स्मॉल डिटेल व्हाट एनवायरमेंट वेरिएबल इज. आईओएस ऐप में हमारे पास डिवाइस रिलेटेड कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कैलेंडर, डिवाइस का लोकल, कलर स्कीम, डिवाइस ओरिएंटेशन, जिसे हम सिस्टम सेटिंग्स भी बोलते हैं. तो एनवायरमेंट प्रॉपर्टी रैपर से आप इन सिस्टम सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो. अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप कौन कौन सी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्पल का डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मेंशन किया है, जिसमें आपको इन सारे एनवायरमेंट वैल्यूज की लिस्ट मिल जाएगी. सो नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आई विल राइट पेरेंट प्रेजेंटेशन मोड रैप्ड वैल्यू डिसमिस. नाउ द ओनली लास्ट थिंग दैट इज पेंडिंग टू डू इज ओवर हियर, आपको ये बोलना पड़ेगा कि जो पिकर है उसका जो डेलीगेट फंक्शन है. यू आई किट में यूजली वट वी यूज टू डू इज हम सेल्फ लिखते थे, बट ओवर हियर वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट context dot coordinator. And now when we shift to the content view, यहाँ पे क्योंकि हमने picker में कुछ changes किए हैं, so over here I'll say the source is going to be the photo library and the selected image is current image. So now when I type on select image, let me select this image and you can see the image is selected. Let me try it with another one. Perfect. सो अभी मुझे क्या करना है कि जो इमेज यहाँ पे सेलेक्टेड है, व्हेन आई टैप ऑन द शेयर बटन, ये जो इमेज है ये शेयर होनी चाहिए. दैट इज वी शुड बी गेटिंग द शेयर शीट. एंड फॉर दैट लेट मी क्लोज दिस गैलरी और यहाँ पे आई हैव अ फोल्डर नेम शेयर शीट और इसके अंदर आई हैव अ फाइल विद द नेम आई हैव अ स्ट्रक्चर विद द नेम शेयर शीट. और यहाँ पे भी हम लोग वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेप्स. सो आई विल बी यूजिंग यू आई व्यू. ओप्स, उससे भी पहले मुझे यहाँ पे स्विफ्ट यू आई को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. Swift UI, and this is going to be UI view, controller representable. This is going to be of the type UI activity, view controller, and I'm going to implement the protocol. UI activity view controller ko implement karna is very simple as compared to the UI image picker controller. So over here, aapko return karna hai. UI activity view controller. Activity types, यहाँ पर हम एक array बना देंगे, that is कि user को क्या क्या item share करना है. We can just call it contents, because this is an array of any contents, and we can keep it nil for now. इसे निकाल देते हैं. And now over here, what we are going to do is, let me create some space. Yahan pe, let me copy this. Share sheet. And over here, I will write toggle. And just below this, I will write the same code. I'll say sheet is going to be is presented और यहाँ पे the content is going to be share sheet and this is going to be the image that we will be sharing. So I'll write current image. Now what I'm going to do is I'm going to resume this. I'll select an image, share नहीं हो रहा है, राइट. एंड दिस इज बिकॉज यहां पे ये जो मैंने कोड लिखा है इट इज नॉट राइट. एंड व्हाई इज दिस नॉट राइट इज बिकॉज ये जो शीट है आपको एक के नीचे एक नहीं लिखना चाहिए. सो इट शुड नॉट बी वन आफ्टर द अदर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कट दिस एंड आई डिलीट दिस एक्स्ट्रा स्पेस और यहां पे जहां पे इमेज है आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. नाउ व्हेन आई सेलेक्ट एन इमेज व्हेन टैप ऑन शेयर you can see I get the share sheet. And since I'm using the simulator, यहाँ पे जो image है वो clear नहीं दिख रहा. So let me tap on print. And over here you can see this is the same image that we selected.
सो प्लीज मेक वेरी श्योर कि ये जो शीट है आप एक के नीचे एक नहीं लिखते हो, यू हैव इट सेपरेटेड। आज का सेशन काफी डिटेल्ड था, बट आई थिंक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे स्विफ्ट यूआई को, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें काफी आसान हो जाएंगी। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस मत करो, स्विफ्ट यूआई के कॉन्सेप्ट को समझ के लो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चैलेंज दी अप्रोच टू नो बेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने iOS ग्रुप के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।